हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो दौर है पाकिस्तान में रहते हुए, अगर आप ये वीडियो पाकिस्तान में देख रहे हैं तो हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। इस महीने बिजली के बिल इस कदर आए हैं कि लोगों के ऊपर पहाड़ टूट गया है। एक तो होता है कि 50% ज़्यादा बिल आ गया, या जो हस्बे ममूल बिल आ रहा है उससे 1000 ज़्यादा आ गया, 2000 ज़्यादा आ गया, मैक्सिमम 50% ज़्यादा आ गया। 50% भी अगर बिल ज़्यादा आ जाए तो वो एक बहुत ज़्यादा फिक्र वाली बात है कि जहाँ पे किसी को 5000 अगर बिल आता है, उस बंदे को 10000 बिल आ जाए तो एकदम से वो सोचेगा कि ऐसा क्या हुआ है कि मेरा बिल डबल हो गया है। लेकिन इस बार ऐसा भी नहीं हुआ। इस बार जो हुआ है, बिल 3 गुना ज़्यादा आए हैं। जिस बंदे का बिल 5000 आ रहा है, उस बंदे को बिल 15000 आया है। और ये बिल कैसे आया है, क्योंकि बिजली के जो यूनिट हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका है, आटे की कीमत में इजाफा हो चुका है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका है। ऐसे में अगर कोई एक ऐसा ख़ानदान है जिसमें सिर्फ एक मियां, एक बीवी और उनके 2 बच्चे हैं और वो रेंट पे रहते हैं, तो उसकी बंदे की 40000 सैलरी लगा लें। हालांकि पाकिस्तान में 40 कोई देता ही नहीं है, मैक्सिमम 25 है। इससे ज़्यादा कोई बहुत अच्छी सैलरी है तो वो 30000 देगा। अगर किसी की 40000 सैलरी भी है और वो रेंट पे रहता है, गंदे से गंदे मकान लेके रहता है, तो उसका भी 10000 रेंट है। 10000 रेंट का निकाल दो, 10000 बिजली का बिल निकाल दो, 10000 से उसके घर का 1 महीने का राशन नहीं बन सकता। डेली का 1000 खर्चा है अगर वो 2 बच्चे और 2 मियां बीवी हैं, 1000 उनका। अगर वो डेली घी लेते हैं, आटा लेते हैं, सब्ज़ी लेते हैं और चाय का सामान लेते हैं, बच्चों की हर चीज़ को छोड़ के सिर्फ रोटी का, खाने का जो खर्चा 1000 है, 20000 इसका हो गया और 30000 ये, 50000 उस बंदे की सैलरी है, 40000। तो ये कैसे हो सकता है कि वो मैनेज कर जाए? कैसे हो सकता है पाकिस्तान के बच्चों को, जिनके वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकें? कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े ले सकें, अच्छे को छोड़ो लंडे से भी कपड़े ले सकें? कैसे हो सकता है वो अपने बच्चों के लिए जूते ले सकें? पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। अगर आप पाकिस्तान में रह के कुछ तरक्की करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर बेहतर करना चाहते हैं, अपने वालदैन का सहारा बनना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑनलाइन काम कर सकते हैं आप। ऑनलाइन काम कैसे होते हैं, बहुत से तरीके हैं। आपने किसी एप्लीकेशन पे काम नहीं करना, किसी वेबसाइट पे काम नहीं करना जो आपको कहते हैं पैसे दे दें। आप यूट्यूब का चैनल बना लें और कुछ भी मत करें। आपको समझें कि आप जो भी अपनी जॉब कर रहे हैं डेली, आप वहां से जो कमा रहे हैं, आपको इनकम आ रही है, लेकिन यूट्यूब पर आप डेली एक वीडियो किसी भी टॉपिक पे लाजमी अपलोड करें। अगर आप इन तमाम मसाइल से निकलना चाहते हैं, अगर आप सोचेंगे कि फलां बंदा आ जाएगा, इमरान खान आ जाएगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे, नवाज शरीफ आ जाएगा तो